फ्यूचर कोचिंग क्लासेस इंग्लिश ग्रामर वाई अभ्यासक, आज हम आपको जो हमारा नियम चल रहा है तो नियम के आधार पर आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको इसकी कैसे बात को बताएंगे, जिसका मैं अक्सर स्ट्रक्चर बना देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना प्लस वाज बीइंग या वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ये आप नोट कर लें। अगर प्लस एक्स्ट्रा वर्ड है तो यहाँ नोट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स याद रखें आप, ये नोट में लिख दिया। देखते हैं कि मैंने एक्टिव में एक सेंटेंस लिखा, द पुलिस वर लुकिंग इनटू द केस। माने कि यहाँ पर माने जो पुलिस है वो केस की जांच कर रही थी। पुलिस क्या कर रही थी? जांच कर रही थी। द पुलिस वर लुकिंग इन टू द केस। तो यहाँ पर पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, किसकी जांच कर रहे थे, क्या जांच कर रहे थे, तो द केस। क्या किया? द केस वाज बीइंग लुक्ड, ये मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन से संबंधित ये वर्ड दिया है, लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। याद रखेंगे पुलिस प्लूरल नंबर में यूज किया है, द पुलिस वर लुकिंग इनटू द केस। इसके बाद में दूसरा मैं दे रहा हूँ एक्ट में, वाज सी हेल्पिंग, वाज सी हेल्पिंग द वीक, ये इंटरोगेशन मार्क कर दिया। क्या हुआ है? कमजोर लोगों की मदद कर रही थी। तो पैसे में देखेंगे, नोट करेंगे, यहाँ द वीक भी मैंने प्लूरल में लिखा है तो यहाँ नोट करना चाहिए वर द वीक, वर द वीक बीइंग हेल्प्ड बाई हर, ये नोट करेंगे। इस तरीके से आप नोट करेंगे सेंटेंसेस को, समझेंगे। तीसरा मैं फिर दे रहा हूँ एक्टिव का सेंटेंस, वाई वाज मधु नॉट, वाई वाज मधु नॉट ईटिंग सम एप्पल्स। क्या मधु कुछ सेव क्यों नहीं खा रही थी? ये आपने नोट किया, देखेंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि वाई वाज, यहाँ पर सम एप्पल्स है तो वर वाज नहीं, वर सम एप्पल्स। यहाँ पर नॉट के बाद में हम क्रिया बीइंग यूज करेंगे, एप्पल्स नॉट बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन बाई मधु, ये मैंने नोट किया है, आप नोट करेंगे। इसके बाद में मैंने देखा कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं
इनको विशेष कर ध्यान में रखेंगे, नोट भी करेंगे, समझेंगे। जैसे आगे कर रहा हूँ, हु वाज एमिंग एट द डियर, इसका मतलब हुआ कि हिरन पर निशाना कौन लगा रहा था। ये देखो पैसे में बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ आप कर दें बाई होम वाज द डियर बीइंग एम्ड, थर्ड फॉर्म AMIED एम्ड एट। आप याद रखेंगे, इन सेंटेंसेस को नोट करेंगे इस तरीके से कि एम के बाद एट आता है, मैंने लिखा है और ये मुख्य सेंटेंसेस लिखे हैं। फ्यूचर कोचिंग क्लासेस इंग्लिश ग्रामर भाई अभ्यास सर, आज मैंने मुख्य चार सेंटेंस आपको बताए हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आप और हमारा दोनों लोगों का भविष्य वास्तविकता उज्ज्वल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।